वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में इक्विलिब्रियम ये यूनिट का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है अ स्पीयर ऑफ वेट 800 न्यूटन इज शोन बिलो, फाइंड द रिएक्शंस एट द कॉन्टैक्ट्स ए एंड बी। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में एक स्पीयर आपको दिखाई दे रहा है जिसका वेट लिखा है 800 न्यूटन और ये जो स्पीयर है ये वर्टिकल वॉल और इंक्लाइंड सरफेस के बीच में है। इंक्लाइंड सरफेस जो बी साइड में है, देखो वहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी है, वो इंक्लाइंड सरफेस 60 डिग्री से इंक्लाइंड है और जो स्पीयर वॉल के साथ कॉन्टैक्ट में है वहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है। क्वेश्चन में लिखा है कि हमें यही ए एंड बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करेंगे। देखिए ये नीचे जो हमने लिखे हैं ये तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये तीन कंडीशंस से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन ये तीन कंडीशंस आप अभी अप्लाई कर नहीं सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये स्फीयर का FBD ड्रॉ करना पड़ेगा, FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलो बनाते हैं FBD ऑफ स्पीयर। FBD ड्रॉ होने के बाद ही हम इसमें ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो FBD ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्पीयर यहां पे फिर से डायग्राम हमने कॉपी करके इधर ले लिया है। FBD में आपको क्या करना होता है, सपोर्ट्स को रिमूव करना होता है और सपोर्ट्स के जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट रिएक्शन शो करना पड़ता है, सरफेस रिएक्शन शो करना पड़ता है, वेट शो करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहां पे ये डायग्राम हमने पूरा इसको क्लीन किया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पे अब देखो FBD में स्पीयर का FBD ड्रॉ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले स्पीयर का वेट शो करना है। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट का जब आप FBD बनाते हैं तो सबसे पहले वेट शो करना होता है और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है, ठीक है। वेट हमेशा सेंट्रली एक्ट होता है। तो ये देखिए स्पीयर का वेट हम यहां शो कर रहे हैं 800 न्यूटन और ये हमने सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो किया है। अब इसके बाद हमें सरफेस रिएक्शन शो करना है, सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या कॉन्टैक्ट रिएक्शन बोलो। तो चेक करो स्पीयर का कॉन्टैक्ट कहां कहां पे है, तो स्पीयर का कॉन्टैक्ट वॉल के साथ है ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और इंक्लाइंड सरफेस के साथ है बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम दोनों साइड में सरफेस रिएक्शन शो करेंगे और सरफेस रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। तो देखिए स्पीयर जो वॉल के साथ कांटेक्ट में है वहां पे हमने वॉल रिएक्शन शो किया है परपेंडिकुलर टू द वॉल और इंक्लाइंड सरफेस के साथ कांटेक्ट में है वहां पे हमने रिएक्शन शो किया है परपेंडिकुलर टू दैट इंक्लाइंड सरफेस। ये देखिए हम यहां पे परपेंडिकुलर का साइन भी यहां पे शो करेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों रिएक्शंस हमने परपेंडिकुलर टू द रिस्पेक्टिव सर्फेसेस शो किया है। अब ये दोनों रिएक्शंस को हम नेमिंग दे देंगे, ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रिएक्शन हम कहेंगे RA और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रिएक्शन हम कहेंगे RB, ठीक है। अब इसमें और कोई रिएक्शन एक्ट होगा क्या, नहीं। अब हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन ये अभी FBD कंप्लीट नहीं हुआ है, ये FBD इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें अब हमें इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप चाहे तो ये प्रॉब्लम लेमिस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हमने लेमिस थ्योरम से सॉल्व किए थे, हमारे यूट्यूब चैनल से आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इसको लेमिस थ्योरम से नहीं, हम आपको इसको इक्विलिब्रियम से सॉल्व कैसे करना वो बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि इसको इक्विलिब्रियम से सॉल्व करो या लेमिस थ्योरम से सॉल्व करो, चॉइस आपकी होती है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। तो हमें फिलहाल इसको इक्विलिब्रियम से सॉल्व करना है, तो हम यहां पे RB इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। देखो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है जहां पे RB एक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो हम एंगल फाइंड आउट करेंगे RB को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि RB एक इंक्लाइंड फोर्स है। देखो इंक्लाइंड सरफेस का एंगल नीचे 60 डिग्री है, अगर इंक्लाइंड सरफेस नीचे 60 डिग्री से इंक्लाइंड हो तो ऊपर का एंगल भी देखो 60 डिग्री हो जाएगा। देखो हमने लिखा है करस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर वो 60 डिग्री हो गया तो उसके नीचे का एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि रिएक्शन RB परपेंडिकुलर था ना, तो 90 - 60 किए तो मिला एंगल 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं RB का एंगल हमने हॉरिजॉन्टली यानी हॉरिजॉन्टल साइड के साथ फाइंड आउट कर लिया है 30 डिग्री, और अब हम RB इंक्लाइन फोर्स को यहां पे रिजॉल्व करेंगे। तो देखो RB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा RB cos 30 एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा RB sin 30, क्योंकि RB का एंगल हॉरिजॉन्टली है इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos, जो साइड में एंगल है वो साइड का कंपोनेंट cos। तो फाइनली ये FBD यहां कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमें अप्लाई करना है तो तीन कंडीशंस हमने आपको लिख के दिए हैं। चलो सेकंड कंडीशन हम यहां अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। यहां दो वर्टिकल फोर्सेस है, आरबी साइन 30 एंड 800, उसमें से आरबी ऊपर जा रहा है तो प्लस में ले लिए, आरबी साइन 30 ऊपर जा रहा है प्लस में आ गया और 800 नीचे आ रहा है तो माइनस में आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे हमें आरबी का वैल्यू मिलने वाला है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई पहले क्यों कर रहे हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने पहले क्यों नहीं किए? वो इसीलिए क्योंकि अगर हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करते तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आते, वो दोनों के दोनों अननोन होते, वो सॉल्व नहीं होता, इसलिए हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाद में करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हमने पहले कर लिए और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में हमने पहले ही चेक कर लिए थे कि समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में दो फोर्सेस आएंगे, दो में से सिर्फ एक ही अननोन रहेगा आरबी, आसानी से हमें आरबी मिल जाएगा। तो देखो आरबी हमें मिल चुका है, कितना मिला है आरबी, मिला है 1600 न्यूटन। ठीक है, और अब बचा है RA, तो चलो अब हम इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे जो हमने पहले नहीं किए थे, वो कंडीशन अब हम अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, रूल के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। RA राइट साइड जा रहा है तो प्लस में ले लिए, RB cos 30 लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस में ले लिए। RB का वैल्यू यहां पुट करो, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो RA का वैल्यू हमें यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट था FBD ड्रॉ करना और FBD ड्रॉ होने के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना। इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हमने सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की अप्लाई किए, उसके बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की कंडीशन अप्लाई किए। अगर आप चाहे तो आप पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि अगर आपने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले किए तो वो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसमें RA RB दो अननोन रहेंगे, फिर उसको इक्वेशन नंबर 1 देना पड़ेगा, फिर आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करना पड़ेगा, फिर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई से RB का वैल्यू फाइंड आउट करके फिर उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा, फिर आपको RA मिलेगा। ठीक है ना, तो ये डबल काम हो जाता है, इसीलिए हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को सेकंड टाइम अप्लाई किए, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अप्लाई किए। ठीक है, तो बोलने का मतलब यह है कि जो हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई किए हैं, ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस यही सीक्वेंस में अप्लाई करना जरूरी नहीं है, मतलब पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करो फिर एफ ऑफ वाई करो फिर मोमेंट करो, यही सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है। चॉइस आपकी होती है कि आपको कौन सी कंडीशन कब अप्लाई करना है। हमने जब हम इसका FBD बना लिए, हमने चेक कर लिए थे कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में दो अननोन है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में एक ही अननोन है, इसलिए हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई पहले किए, ठीक है, उसके थ्रू RB निकाले, और समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाद में किए, उसके थ्रू हमने RA निकाले। तो फाइनली RA हमें मिल चुका है, ठीक है, 1385 पॉइंट ये हमें RA मिला है। और इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए एंड बी, ए एंड बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रिएक्शंस फाइंड आउट करना था, हमें मिल चुका है RA एंड RB, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एग्जाम में जब आप इस टाइप के कैलकुलेशंस करोगे तो कैलकुलेटर का अगर आप यूज कर रहे हैं तो कैलकुलेटर डिग्री मोड में रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कैलकुलेटर डिग्री मोड में नहीं है तो आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर डिग्री मोड में अगर हो तो कैलकुलेटर के स्क्रीन के ऊपर डी लिखा रहता है छोटा सा ऊपर में, तो आपको ये हमेशा पहले चेक करना है और उसके बाद ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था इक्विलिब्रियम ये यूनिट का फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि स्पीयर से रिलेटेड था। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।